क्या हो जब अरेंज मैरिज में कंडीशन ऐसी हो कि आप घर वापस नहीं जा सकते अपने मायके, और ससुराल में पति की हालत ऐसी हो कि 3 दिन नहीं कट रहे हैं ये जिंदगी के 30 साल या इससे ज्यादा समय साथ में कैसे कटेगा? अब कौन है जो राह दिखाएगा? और फिर वहां पर वही काम आता है जिस पर आपने कभी अटूट विश्वास किया हो, आस्था रखी हो। आज का ये सत्य प्रसंग गाजियाबाद से आ रहा है। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसका नाम श्वेता है। वो 3 बहनें हैं, कोई भाई नहीं, 2 छोटी बहनें हैं। और जब ऐसी परिस्थिति होती है ना तो बहन पे इतना प्रेशर होता है कि बस अब मर जाऊं यहां पर लेकिन वापस ना जाऊं। पिता की लाज का सवाल है, हिंदू समाज है। तो शादी एक ऐसे घर में हुई जहां पर लोग बाहर से तो बड़े ही बनावटी, इतने अच्छे कि इनसे संस्कारी कोई है नहीं। और फिर जब शादी हो गई तो उसके बाद जो उन्होंने पहले दिन से रंग दिखाए उन रंगों के थे। वो कहती हैं कि बात बात पे जलील करना, अभी हाथों की मेहंदी नहीं उतरी थी लेकिन उनके रंग साफ दिख रहे थे। ऊपर से जो एकमात्र सहारा होता है ना, जिसके सहारे एक लड़की घर आती है, पति, वो ऐसा कि 7 बजे बाद जैसे शाम ढलती तो होश सुबह ही आता। अब सब कुछ यहां पर खुल के समझाना नहीं है, आपको कुछ खुद समझना है। परिवार ऐसा है कि आप हमें कुछ मत दीजिए मगर अपनी बेटी की खुशी के लिए तो हर कोई देता है वाला हिसाब। और इतना कुछ लेने के बाद भी, गाड़ी ले ली, जितना बाप कर सका, उसके बाद भी हमें तो ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था और वैसा एक्सपेक्टेड नहीं था। अब घर में चिक-चिक, पति का शाम 7 बजे ढल जाना और फिर सुबह ही होश में आना। और ऐसा भी नहीं था कि शांत था, नहीं, परिवार भी चाहता था कि ये शोर करे, कलह करे ताकि स्वाति को परेशानी हो। स्वाति ने 1 दिन झेला, 2 दिन झेला, 3 दिन, 4 दिन, अब दिन बीत नहीं रहे थे, कट रहे थे। उसी बीच उसके माता पिता एज ए सरप्राइज आ जाते हैं क्योंकि उन्हें किसी नियर बाय फंक्शन में जाना था तो देखने की बेटी कैसी है। लेकिन उन्होंने उनकी बेटी के साथ साथ माँ बाप को भी नहीं छोड़ा। पिता को पिता के कपड़ों के ऊपर, चप्पल के ऊपर खरी खोटी कुछ कुछ सुनाने लगे। तभी पिता से क्या ही सहन होता, ना लड़ने जोगी ना सहन करने जोगी। तो उन्होंने कहा कि बेटी आधा घंटा ही करीब हुआ था कि हम चलते हैं, पास ही में जहाँ फंक्शन है वहां के लिए लेट हो जाएंगे, वहीं से घर निकलेंगे। ऐसा कह के पिता ने कुछ और ना कहा लेकिन आंखें सब बता गई। अब स्वाति से सहन नहीं हुआ। जब पिता माँ घर पहुंचे शाम को तो उसने शाम को माँ को फोन किया। माँ ने आनन फानन में पूछा, बेटा तू ठीक है ना? उसने कहा, माँ ठीक हूं नहीं हूं अब इन बातों से कुछ फर्क नहीं है जीवन में, बस आपसे इतना पूछने के लिए फोन कर रही हूं कि जो कुछ आज हुआ उसके बाद क्या मैं आपसे एक बात की परमिशन ले सकती हूँ? तो उन्होंने कहा, हाँ बेटा बता। बड़ी घबराई हुई माँ कि 2 बेटियों की और जिम्मेदारी। तो उसने कहा कि माँ मैं सोच रही हूँ कि मैं इनकी शिकायत कर दूँ। शिकायत कहाँ, पुलिस में करेगी क्या? नहीं माँ, पुलिस में नहीं, उससे भी बड़े कहीं। कहाँ? अपने कन्हैया से, अपने भैया से, भाई को बोलूंगी। इनका भाई को बोलेगी? अपने पति की शिकायत करेगी? इनका माँ सही होने के लिए जो करना चाहिए आपने यही तो सिखाया ना, वही करो, तो फिर अब यहां क्या गलत है? माँ कुछ कह ना सकी। और उसके बाद उस शाम को जैसे ही उसकी माँ का फोन कटा, उसका पति नशे में कह लीजिए आया और उसने गाली गलौज करनी शुरू कर दी। आज कुछ ज्यादा ही मशगूल थे जनाब। वो होते हैं ना कुछ लोग कि जेब में 1000 रुपए भी ना हो लेकिन खाने पीने में 2000 का इंतजाम कर देंगे, फिर चाहे कर्जा ही लेना पड़े। बस वही हाल था। आज किसी ने चढ़ा रखा था छाड़ पे और वो चढ़े हुए थे। इस बीच कोई तो था नहीं जिसने मना किया हो। स्वाति आई तो आज हाथ भी चल गया, आज सीमाएं पार हो गई। एक तो माँ बाप की बेइज्जती, ऊपर से कब तक सहूं, और आज जो कुछ बचा था वो भी हो गया। अब उस रात वो सोई नहीं, सब सो गए। उसके बाद अपने भैया से बोली, भाई अब नहीं सहन होता, आपसे क्या बोलूं, अब सब देख रहे हैं, सही कीजिए।
दो काम आपको मैं सौंपती हूं, उसमें से एक कर दीजिए, या तो मुझे यहां इस दुनिया से उठा लीजिए, मैं कल का सवेरा नहीं देखना चाहती, वापस घर में जा नहीं सकती, ऐसे में जी नहीं सकती, या फिर इनकी अकल ठीक कीजिए। बस कन्हैया तो छड़ी लेके बैठे रहते हैं हिसाब किताब करने के लिए, और जो उनके भक्त को कष्ट देता है ना देर सवेर, उसके लिए आ ही जाते हैं। अगली ही सुबह जैसे ही पति की नींद भी नहीं खुली थी, फोन की रिंग बजी सुबह के 9 बजे, और ऑफिस से कॉल था। कहा कि आप कहाँ हैं, तो कहा मैं तो घर पे हूँ, आ रहा हूँ आधे घंटे में। कहते कोई जरूरत नहीं है आपको आने की, आपको नौकरी से निकाल दिया गया है। ये सुनकर उसकी सारी शाम की उड़ गई और वो एकदम बैठ गया सक्का बक्का होके कि क्या क्यों क्या क्यों, क्योंकि आप एक तो अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर पाए, ऊपर से हमें कंप्लेंट मिली है कि आप ऑफिस में भी आपका काम चालू रहता है, अभी ऐसे नहीं चलेगा, और हम पे ज्यादा एलिगेशंस लगाने की कोशिश मत कीजिए, वरना आपका ऐसा करेक्टर सर्टिफिकेट बनाएंगे 10 जगह पे घुमाएंगे मेल के थ्रू, कहीं नौकरी नहीं लगेगी, बेरोजगार रहेंगे जीवन भर और भूखमरी के शिकार हो जाएंगे जैसे आपके हालात हैं। ये सुनने के बाद उसने बोला कि भाई मेरी नई नई शादी हुई है, मुझे 2-3 महीने, तो कहते 2-3 महीने आपको हम अभी तक झेल रहे हैं, इतना ही बहुत है, सही समय आ चुका है, अपना हिसाब किताब कीजिए और जाइए यहां से। कहकर वहां से तो फोन कट गया, दिमाग 360 डिग्री घूमने लगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाहर आया और बड़ा भाई, उसका एक बड़ा भाई था और छोटी एक बहन जिसकी शादी हो गई थी, मगर घर के मन मुटाव से पति के साथ मन मुटाव कर मायके में ही आके बैठी हुई थी। चलिए ठीक था, जिस घर में कहते हैं ना कोई गुरु नहीं होता तो अंधेरी रात होती है, तो वही हिसाब था यहां भी। अब उन्होंने कहा कि एक चीज आपको और बता दूं कि ये लोग ना कन्हैया के बड़े भक्त थे, बड़े नहीं कहूंगी, और उसके बाद भी न जाने कौन से हिसाब किताब में पड़े रहते थे, भगवान ही जाने इन कलयुगी लोगों की कहानी। अब सुबह सुबह नौकरी चली गई, थोड़ी देर बाद बाहर निकला कमरे से तो भाई से ऐसी अनबन हो गई कि अब इस घर में या तो तू रहेगा या तो मैं रहूंगा वाला हिसाब हो गया, और पूरा परिवार बड़े भाई की आमदनी से चलता था, क्योंकि भाई की फैक्ट्री से जो कुछ भी आमदनी होती उससे ये लोग सब के सब जो थे सेवाएं ग्रहण कर रहे थे, तो माँ बाप बहन सब एकदम से बड़े भाई की तरफ हो गए। तो बड़े भाई से उसने कहा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, उन्होंने कहा मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ऐसे ही चलेगा, जैसा बोला है वैसा ही करा जाएगा। तो उसने कहा कि आप, मेरी नौकरी अभी अभी छूटी है और मेरी अभी अभी शादी हुई है, हमारा तो सोचिए। तो उसने कहा तू सोचता है अपनी पत्नी का। ये सुनते ही जैसे उसके सीने में किसी ने तीर खोक दिया, उसे वो पिछले 7 दिन याद आने लगे। देखा तू तो सोचता नहीं, हम क्या सोचें। सास आगे से बोली, हाँ हाँ तूने कितनी इज्जत दे दी अपनी पत्नी को, अब उसके हवाले से जो मुफ्ती खाने के लिए आ गया। ये सुनकर उसको चक्कर आने लगे, हालांकि स्वाति आगे से आके बोली कि आप रहने दीजिए, आप शांत हो जाइए, मैं माफी मांगती हूँ बड़े भैया से। तो उसने कहा किस बात की माफी मांगती हो तुम, किस बात की, मैंने इनसे कहा ही क्या, इनसे मैंने कहा कि भैया मेरी नौकरी ऐसे ऐसे छूटी है, तो ये बोले कि तो फिर मैं क्या करूं, तू मेरी फैक्ट्री के बाहर गार्ड बन के खड़ा हो जा, और ऊपर से भाभी बोल रही है। भाभी बोल क्या रही है, भाभी अभी भी बोल रही है, भाभी पीछे से आई और बोली, भाभी बोल रही है कि तुम्हें गार्ड की नौकरी दे रहे हैं ना, वरना तुम्हारी क्वालिफिकेशन तो इतनी भी नहीं कि तुम्हें गार्ड की नौकरी दी जाए। और फिर एक अजीब सी हंसी उसके चेहरे पर देखकर जैसे खंजर ही खंजर घोपे जा रहे हों, आज स्वाति का पति होश में रहकर भी होश में नहीं था, और उसे आज सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था कि कौन कितना अपना है। ये नहीं कहूंगी कि भाई बहन अपने नहीं होते, मगर कभी कभार ना वो तब तक चुप रहते हैं जब तक उनके स्वार्थ के अनुसार हो रहा है, और यहां भी वही हुआ। जब रोज पीता था तो कोई असर नहीं, आज सबको चढ़ गई है। स्वाति पढ़ी लिखी भी थी, सुंदर भी, और शायद यही उसका गुनाह था जो परिवार को खटक रही थी, और साथ में पति के तो हाल ही बुरे थे। आज पति को अपनी पत्नी की अहमियत समझ आ रही थी। उसने कहा कि चलो चलो तुम लोगों का मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है मैं सब संभाल लूंगा, जैसे जिया हूं जी लूंगा। उसने कहा अरे 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 कौन बात कर रहा है,
ये उसका बड़ा भाई बोला। तो उसने कहा मैं बात कर रहा हूं और मैं कर लूंगा, ये बोलकर घर से बाहर निकलने लगा। तो बड़े भाई ने कहा कुछ पैसे ले जा, तेरे रात के शान शौकत के जो इंतजाम है वो कैसे होंगे भाई। उसने कहा कर लूंगा इंतजाम, कर लूंगा, अगर मुझे जरूरत होगी तो कर लूंगा, बड़े दोस्त हैं मेरे भी। ऐसे बातचीत हुई और उसके बाद वो घर से निकल गए। स्वाति ने जाते जाते कन्हैया से यही कहा, कन्हैया आपसे तो मैंने कहा था इन्हें ठीक कर दो, ये तो हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मगर कन्हैया की मुरली जब घूमती है तो सुर बजाती है, समझ जाइए। अब उसने कहा कि आप मेरे ये सब छोड़िए, आप हमारे घर चलिए, मम्मी पापा के पास चलते हैं। तो उन्होंने कहा मैं घर जमाई बन के नहीं रह सकता। उन्होंने कहा घर जमाई बनने को नहीं कह रही हूँ, स्वाति ने कहा, बस कुछ समय की बात है, उसके बाद हम अपना 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 कर लेंगे। कहा नहीं नहीं, यहाँ मेरा एक दोस्त है, मैं उससे बात करता हूँ और उसका घर खाली है, तो एक महीने रह के किराए का जुगाड़ एक महीने में तो हो ही जाएगा। ठीक है जी, कन्हैया से हाथ जोड़े, भगवान हम निकल चुके हैं अपने रास्ते, अब आपने देखना है। जो जो सामान स्वाति अपने मायके से लाई थी वो सामान उसको दे दिया गया, सिर्फ गाड़ी रख ली गई। अरे क्या करेंगे बक्सों का, क्या करेंगे बर्तनों का, जो काम की चीज है वो रख ली। अब घर के अंदर जैसे ही वो पहुंचे तो स्वाति ने कहा कि हमारी गाड़ी थी मेरे पापा ने जो दी थी वो आप नहीं लाए, अगर आप लाते तो उसे हम बेचकर बाजार में थोड़े पैसे जुड़ा लेंगे जिससे एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तो ये सुनकर उसके पति ने कहा अरे हाँ, मेरे को तो ध्यान ही नहीं रहा इन सब के बीच में, लाता हूँ उस गाड़ी को, जब मुझे घर में ही नहीं रहने दे रहे हैं तो मैं अपनी चीजें क्यों दूँ। ऐसा कह के कहा कि और मुझे गाड़ी चलानी भी आती है स्वाति, और मैं चलाऊंगा तो कुछ पैसे कमा लूंगा। तो उसने कहा कि आपकी शान के खिलाफ नहीं होगा ये, स्वाति ने कहा। किस बात की शान के खिलाफ, ठीक है मेरे ससुर जी ने दी है, अपनी बेटी के लिए दी है तो बेटी के लिए तो कमाऊंगा नहीं। ये कहकर ऐसी मुस्कुराहट दी जैसी मुस्कुराहट आज तक उसने उनके चेहरे पर ना देखी थी। स्वाति की तो दुनिया अब एक तरह से वही थे, कहा ठीक है जैसा आपको ठीक लगे। वो गए और अपने गाड़ी की चाबी मांगी। उन लालची परिवार वालों ने ना जाने कहां कहां की उसको सुनाई, इतनी सुनाई कि अब उसका मन खट्टा हो चुका था, लेकिन मुंह पर चाबी फेंक मारी, ये एक अच्छा काम हुआ। चाबी बोला कि इतना इतना तेरे पे तो इतना भी नहीं है कि इसका पेट्रोल भरा पाए, ईएमआई करवा पाए, बड़ा आया। तो कोई बात नहीं, इसकी इंश्योरेंस नहीं होगा, पेट्रोल नहीं भरेगा, खड़ी रहेगी, बट गाड़ी तो मेरी है ना। ऐसा कहकर वो भी हाथों को घसीटता हुआ आ गया। अब जब घर पहुंचा तो स्वाति कुछ तीन चार लोगों से बात कर रही थी। तो लोगों ने बताया कि अच्छा, तो उन्होंने स्वाति ने कहा कि आ गए ये मेरे पति आ गए, देखिए बात कीजिए। तो उन्होंने कहा कि हमें दादर तक जाना था और सुन यहाँ हम टैक्सी ढूंढ रहे थे, निकलना है 10 बजे और हमें पता लगा कि आप चलाते हैं गाड़ी और आपके पास गाड़ी भी है। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, तो कहाँ तक जाएंगे, कहते दादर तक जाएंगे। पैसों का हिसाब किताब हुआ और स्वाति ने कहा कि ये चाय पीकर 5 मिनट में आपके पास पहुंच रहे हैं। अब स्वाति के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वही मुस्कुराहट उनके पति के चेहरे पर थी और फाइनली अब वो एक प्रोग्रेस की तरफ थे। तो उनके पति ने कहा आज तो मिल गई है बुकिंग, लेकिन जरूरी थोड़ा ना जो रोज बुकिंग मिले, है ना स्वाति, तुम भी कुछ देखना। तो स्वाति पढ़ी लिखी तो थी ही, आज पति को कद्र समझ आई थी वो बात अलग है। स्वाति ने कहा जी बिल्कुल। अब एक जीवन नॉर्मल सरे से चलने लगा। शाम को वो अड्डे पर पहुंचा, क्योंकि एकदम से चीजें नहीं छूटती, लेकिन आज जेब थोड़ी संभाली हुई थी क्योंकि परिवार का साया नहीं था। अब जब दोस्त से कहा खर्च कर तो दोस्त ने अपना रंग दिखाया और ये रंग देखकर वो ये समझ गया कि दुनिया में लोग तभी तक अपने हैं जब तक उनके स्वार्थ का काम हो रहा है। उस दिन से कसम खा ली अब ये काम नहीं। स्वाति कहती हैं आज उनकी शादी को 18-19 साल हो चुके हैं, उनके पति के पास करीबन 20 ट्रक और 38 गाड़ियां हैं टैक्सी, जिसमें से कुछ ऑनलाइन है, और उन्हें जॉब करते हुए भी करीबन 17 साल हो चुके हैं। जीवन एक सही तरीके से चल रहा है जहां कन्हैया उनके पग पग पर साथ हैं। वो कहती हैं अगर कन्हैया पे विश्वास है ना तो बस अर्जी उसके आगे लगाओ, फिर देखो चमत्कार होने से कौन रोकता है। आज की ये सत्य कहानी यहीं तक। आशा करती हूं स्वाति के साथ साथ आपका विश्वास भी प्रगाढ़ हुआ होगा। और मैं हर बार कहती हूँ कि कहानी पसंद आई तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि ये मेरा जिम्मे है कि आप पर अपने भगवान का विश्वास बनाए रखूँ।
प्रगाढ़ करूं। और मैं हर बार ये एक बात और कहती हूं कि अगर आपको मेरे पे, कन्हैया पे विश्वास नहीं तो कोई बात नहीं, ये कहानियों को मनोरंजन के रूप में लीजिए और अपने भगवान पर जरूर विश्वास कीजिए। क्योंकि कहते हैं जहां दवाएं काम नहीं आती फिर वहां दुआएं काम आती हैं, और दुआ के लिए, हाथ उठने के लिए भी समय पहले से होना चाहिए। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। जल्द लौटूंगी अच्छे से सत्य प्रसंग के साथ। तब तक अपना, अपने परिवार का ख्याल रखिए, लगे रहिए कन्हैया की भक्ति में, लड्डू गोपाल की भक्ति में, और जाते जाते कमेंट में लिख के जाइएगा श्री कृष्णा राधे राधे।